I am so psyched, yaar. Like, let me just get back in my car and I'll explain to you what just happened. आपको कम चीज मिलेगी, बट देन होता ही है कि आपको उम्मीदों से ज्यादा कुछ मिल जाता है और मतलब खुशी तो ऑलरेडी मिलने की हो रही होती है चीज, बट वो डबल हो जाती है. दैट काइंड ऑफ थिंग हैपेंड टुडे. Finally, I am back. सबसे पहली बात, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज गाइज. एक सेकंड, सांस नहीं आ रहा. So today I finally had the audacity to actually get up and decide ke let's just go to Western Union. Jab se payment aayi hai, I initially forgot about it and I was thinking that I'll make a video with someone. Baat ho jati thi, unfortunately it couldn't get into planning stage because sust bada ho raha hu, jaise ki aapko pata chal raha hoga main jitni videos post kar raha hu. Ab main baith ke bhi aap logon se baatein karne laga tha, meri ammi ka phone aa gaya ki maine ek cheez note ki thi ammi se. Basically maine nahi pucha, maine behan se pucha because meri ammi available nahi thi baat karne ke liye, to maine behan ko bataya. Behan ne batate batate bahut der kar di hai. Jab main wahan pe itni der khada रहा हूँ तब उनका फोन नहीं है. अभी मैं जब गाड़ी में आके बैठा हूँ आप लोगों से बात करने लगा हूँ, तुमने कहा वापस जाकर ले आओ, तो फिर हम वापस आ रहे हैं. आप भी आ जाए साथ मेरे, क्या करना है आपने बैठ के यहाँ पे. We finally go back because if living alone and going out to a mall on your own is like this, कि आप you splurge on everything you see, living alone can be dangerous sometimes. जब मेरा इरादा बना कि चलो आज जाऊंगा आज जाऊंगा आज जाऊंगा, हमेशा ही होता था. आई यूज टू गेट फ्री वेरी लेट फ्रॉम द ऑफिस. बीच में आई कॉल्ड देम एग्जैक्टली आफ्टर 40 डेज के खत्म कब होती है, एक्सपायर कब होती है पेमेंट, एंड दे सेड 40 डेज. और मेरी लिटरली वो मैं कहा गई, तीन साल की मेहनत गई. दैट डे आई ऑल्सो ट्राइड, बट उस दिन मैं ऑफिस से फ्री ही तकरीबन 7-8 बजे हुआ एंड इट्स ऑलमोस्ट एन आवर बैक टू माई होम. मसला ये है कि वेस्टर्न यूनियन में जो ऑफिस हैं दे क्लोज एट 7. खैर, सो टुडे आई वाज अलोन, टुडे इज संडे. आज बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी लाहौर आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, सो आई डिसाइडेड लेट्स जस्ट गेट अप एंड यू नो गो शॉपिंग और सी, लेट्स जस्ट गो टू एंड फाइंड अ वेस्टर्न यूनियन. ऑल्दो मैं जिधर भी फोन कर रहा था नहीं होता, बट आई न्यू के पैकेजेस मॉल में शायद एक है, सो लेट्स जस्ट गो. पहले मैं वाई ब्लॉक में गया, वहाँ पे नहीं हुआ. बाय द वे आई एम स्टेइंग इन लाहौर, लाहौर की बात कर रहा हूँ. खैर, फिर पैकेजेस मॉल आ गया, पैकेजेस मॉल में आया, मेट्रो आया. मैंने आहिस्ता आहिस्ता एक एक दुकान करते करते पहले विंडो शॉपिंग की. यूजली मेरी विंडो शॉपिंग क्या होती है, नाइकी एडिडास पे जाकर मैंने जूते देखे थे. एंड आई एम ऑल्सो इन सर्च ऑफ जॉगर्स और रनिंग शूज और ट्रेनर्स, हाउएवर यू लाइक टू कॉल इट. By the way, if you haven't guessed by now, I'm a huge sneakerhead, or I should be making a video about my sneaker collection or shoes collection as well. You know, if you would be interested in something like that, leave a like to this video or just comment down below. Coming back to the point, mall mein enter hota hoon, main ek shop pe jata hoon, main fir Nike pe jata hoon, fir Adidas pe jata hoon, and I'm doing my survey. Acha, theek hai, agle mahine le lenge. Main cross karte karte puri window shopping karte, ha, and beech mein I was like, let's just you know treat yourself a little better because why not? So I got some ice cream, although sardi aa rahi hai, I should be careful, but yeah. Anyways, जब मेरी पेमेंट YouTube की तरफ से आई थी नोटिफिकेशन, उस वक्त डॉलर का रेट वाज अराउंड 167-168 एंड एज ऑफ टुडे आई थिंक इट्स अराउंड 159 और 155 समथिंग. तो वैसे यार मतलब क्या करें, मतलब डॉलर का रेट गिर गया. खैर, सो आई वाज बम्ड अबाउट इट, बट आई वाज हैप्पी कि आई फाउंड इनिशियली द वेस्टर्न यूनियन वाला आउटलेट. सो आई गो देयर, आई गिव आईडी कार्ड एंड द डिटेल्स. व्हेन आई रिसीव्ड द रोकड़ा, द डॉलर का रेट वॉज 166 एग्जैक्टली वॉट इट इज दैट टाइम. आई वाज लाइक खैर, मैं वहां से वापस निकलता हूँ एंड यू कुड सी मैं कितना खुश था फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्लिप. ऑल्दो मैंने मास्क पहना है, बट यू कुड सी इट, आई नो इट. मास्क के पीछे से भी आप लोग खुशी देख सकते हैं, माशाल्लाह से भाई कितना खुश था, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. फिर उसके बाद वहां से मैं निकला और मैं साथ ही देखता हूँ एक अच्छी खासी शॉप पे बड़ा सा लिखा हुआ है 75% ऑफ. I am telling you, if living alone means going out on weekends and spending the entire money you have and treating yourself in order to make yourself feel better, once in 2 months is maybe okay. Every month is kind of not okay, but chalo,
चल गुजारा कर लेते हैं. बट इफ डूइंग दिस ऑन अ वीकली बेसिस इज व्हाट मैरिड कपल फील्स लाइक, देन हैंड्स अप ब्रो. एनीवेज, जोक्स अपार्ट, कमिंग बैक टू द मेन थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो. ऑलमोस्ट 3 years back in 2017 आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग. आई डिडंट नो व्हाई आई वाज डूइंग इट. आई डिडंट हैव एनी मोटिवेशन टू कंटिन्यू डूइंग इट. ऑल आई न्यू वाज के आई नीडेड टू इंप्रूव माय वीडियोग्राफी स्किल्स, एंड वीडियोग्राफी वाज समथिंग एंड फिल्म मेकिंग वाज समथिंग आई लव डूइंग. स्टोरी टेलिंग का मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था. And gradually all these things aise se better hui. I've gotten into freelance work because of this. I have been on sponsored paid trips to the north that I love doing, and I've gotten so many different perks and privileges just because I've been posting videos on YouTube. The videos I've made, especially regarding Nasty videos, which is like 90% of my work on YouTube, people have been reaching out to me on multiple occasions, and they tell me how it not just motivates them. Even if they don't get into NAS, they tell me it helps them get out of depression and stressful states. Ek aap random bande mujhe bata rahe hain from a very personal point of view, that really touches you whenever you get those messages. And being able to connect with you guys, at least some of you, I know I've been complaining lately ki my growth on YouTube hasn't been the way I expected or wanted it to be, but aap logon ki ek jo hamari ye family ban gayi hai, ye interaction ban gaya hai, getting to know you guys or interacting with you guys and then again receiving such messages is really heartwarming. And today receiving this payment made me realize the efforts I've been putting in monetary terms. Seeing कि आपने इतने अरसे मेहनत की और उसका आपको सिला मिला, I'm just अल्हम्दुलिल्लाह. I am extremely, extremely thankful to each and every one of you for supporting and sticking by for such a long time. Although I know I don't post that much regularly, but having said that, you guys do make a difference. And honestly, thank you so much. अब बीच में जाहिर सी बात है, कुछ लोग चस्कोड़े होंगे, उन्हें चस्के लेने होंगे, भाई कितनी पेमेंट आई है यार. नहीं आती इतनी ज़्यादा, बट जितनी थोड़ी बहुत भी आती है अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज मोर देन एनफ. खैर, हैविंग सेड दैट, अपना ख्याल रखिएगा. मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब इफ यू हैवंट, रिकमेंड माई वीडियोज टू अ फ्रेंड इफ यू फील लाइक यू कुड शेयर इट विद देम, एंड इंशाल्लाह आई वुड सी यू गाइस इन अनदर वन. थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड आई विल लव. Convocation only video is towards the completion. It's almost 75% done. So I really hope you guys would like it, because I fall in love with the video whenever I start to edit it, because whenever I do, I start to watch it from the beginning, which is not something healthy, especially when you're editing. Also, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, bro. आज क्योंकि बारिश हुई है और आज ही मेरी बेसिकली मेरे घर से हुडीज़ वगैरह मंगवाई थी, क्योंकि मैं अपना सर्दी में सामान लाना भूल गया था और ऐसे ऐसे ठंड हो रही थी. बट क्योंकि आज बारिश हुई है और जब इसी ठंड थी, तो हुडी सीजन इज बैक ब्रोस. यार ऑल द वो अलग बात है, मैं घर बैठे इतना बोर हो रहा था, ऊपर से लाइट चलेगी, मैं कहा यार क्या करूँ मैं. फिर आई वाज लाइक यार अच्छा हो, ये काम भी था. और सुनाओ भैया क्या हाल है. अच्छा खैर बताओगे.